तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ब्राय पीपी 76 मेयर मोहसिन रजा आरई ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से टिकट ना मिलने पर रिव्यू के फैसले के बाद टिकट होल्डर अब्दुल्ला मुमताज काहलू के हक में दस्तबरदार हो गए और पार्टी के फैसले को तस्लीम किया। मजीद तफसीलात देखते हैं फरूक रोज की इस रिपोर्ट में। मार मोहसिन रजा आरई ने अब्दुल्ला मुमताज कालू और मुमताज अख्तर कालू के हमरा अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं इमरान खान का सपाही हूं और इमरान खान की हर काल पर जदोजहद में शामिल रहा। हल्का में मुख्तलिफ चैम गोया थी, पार्टी ने टिकट मिलने के बाद हमें रिव्यू में मौका दिया। अपना हक इस्तेमाल करने के लिए पी पी 76 के उम्मीदवारान से मुतफिका तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया और रिव्यू कमेटी ने पी पी 76 का टिकट तब्दील नहीं किया और अब्दुल्ला मुमताज कालू का टिकट बरकरार रखा और इमरान खान के विजन को सामने रखते हुए अब्दुल्ला मुमताज कालू और पीटीआई के हर उम्मीदवार के साथ डट के खड़ा हूं। तो इंशाल्लाह इस माफिया के खिलाफ इमरान खान साहब ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है मेरे भाई अब्दुल्ला मुमताज कालू साहब की, मैं आज आप मीडिया के सामने आप भरपूर हमायत की ऐलान कर रहा हूँ क्योंकि किसी के दिल में कोई भूल है तो वो निकाल दे। इंशाल्लाह सरगोधा जिला क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ जिसको भी इमरान खान ने टिकट दिया है इंशाल्लाह मेरे तरीके से और भी जो हमारे तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ ज़िलों में उम्मीदवार थे चाहे पंजाब के किस कोने में उम्मीदवार थे मेरे में अगर इमरान खान के साथ वो सिंसियर हैं उनको मैं यहाँ मैसेज भी देता हूँ कि आप जिसको मेरे कायद ने टिकट दिया है आपने उस टिकट के साथ खड़ा होना है। मान मोहसिन रजा का मजीद कहना था कि इमरान खान की जंग माफिया के खिलाफ है जो जारी रहेगी। आखिर में अब्दुल्ला मुमताज कालू और मुमताज अख्तर कालू ने मान मोहसिन रजा का शुक्रिया अदा किया।